ये प्रधानमंत्री आवास के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा निर्णय है। 3 करोड़ आवास की स्वीकृतियां पहले कैबिनेट की बैठक में दिया गया। 1 करोड़ आवास शहरी क्षेत्र में और 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्र में बनेंगे। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उनके सिर के ऊपर छत हो, तो एक बड़ी सौगात जरूरतमंदों को, गरीब परिवार को और मध्यम वर्गीय परिवार को मिलने वाला है। कांग्रेस इस पे कह रही कि पहली किस्त तो सरकार भूपेश सरकार नहीं दे दी, अब पहली किस्त नहीं दे दी। देखिए, 5 साल तक भूपेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास को रोक करके रखा था। भूपेश और कांग्रेस पार्टी को ये कहने का अधिकार ही नहीं है। यदि 4 करोड़ आवास पहले दिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद पहले बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहले बार माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार पक्का मकान देने की योजना बनती है। 4 करोड़ आवास पहले दिए जाते हैं, उसके बाद 3 करोड़ आवास देने का निर्णय लिया गया है और एक बड़ी सौगात है सभी गरीब परिवारों के लिए। ये फ्लाईओवर की सहमति दे दी है नितिन गडकरी जी ने, बनने वाली है रिंग रोड, कैसे देख रहे हैं लगातार? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में लोगों की आवागमन की सुविधा को ध्यान में रख करके सड़कें जाम होती हैं, उन सबको देख करके बहुत सारे निर्माण कार्य होने हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र के रूप में हम सब लोग 2047 में हम सबको जाना है, तो हर सेक्टर में काम होगा और उसकी नींव रखी जा चुकी है। देखिए, अर्बन ट्रांसपोर्ट आने वाले समय के लिए एक बड़ी चुनौती है और उसको ध्यान में रखते हुए सभी शहरों में और अभी बिलासपुर, रायपुर और भिलाई के लिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा प्रारंभ की जा रही है। उसके लिए फंड भी जारी कर दिए हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए, तो इसका भी लाभ आम जनता को मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोल के जो करने गए थे, कोल सूर्यकांत तिवारी से मुलाकात, जेल गए थे और ये कह रहे हैं कि उनका नाम फंसाने के लिए कहा जा रहा है और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस पार्टी का ये संस्कार रहा है आरोपियों को बचाना, भ्रष्टाचारियों को बचाना और जो देश विरोधी काम करते हैं उनके पक्ष में खड़ा होना, कांग्रेस पार्टी की कोई भी नेता हो, ये उनका संस्कार, उनकी संस्कृति है। सर, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है एक नया अभियान लाने जा रही है जिससे जो नक्सल पीड़ित है उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा 16 तारीख से, और आईडी कार्ड। देखिए, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले आकर के यहाँ मीटिंग लिए 7 राज्यों के, और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का संकल्प है कि आने वाले 1.5 साल 2 साल के भीतर हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। तो नक्सली विकास में बाधक हैं, न वो समाज का विकास चाहते न राज्य का विकास चाहते, तो सरकार के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया है और आने वाले समय में हमारा प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। क्या मैसेज देने की कोशिश है कि दिल्ली लेके जाया जाएगा जो आईडी ब्लास्ट से जो पीड़ित है ऐसे लोगों को, क्या ऐसे मानवाधिकार आयोग जो यहाँ आके ये कहते हैं कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है, जब किसी नक्सली को जब मारा जाता है, तो इस तरह का कोई मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, कोई भी नक्सली पीड़ित व्यक्ति हो उनके साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए, सरकार को भी, हम सबको भी, मानवता के नाते, जो बेगुनाह जो उनके शिकार हो रहे हैं तो हम सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए और सरकार की यही मंशा है कि हम उन सबके साथ में हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।